हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निम्मा टारी। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फैट लूज के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं आपको फैट लूज करने के पीछे की साइंस के बारे में बताऊंगा और साथ में कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिससे आप एक मंथ में 10 kg वेट कम कर सकते हो। और एंड में मैं आपको एक बेहतरीन डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपना बॉडी फैट कम कर सकते हो। इसलिए आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेट कम करने से पहले हमें अपने शरीर के अंदर कार्टिसोल नाम के हार्मोन के लेवल को कम करना पड़ेगा। ये वही हार्मोन होता है जिससे हमें भूख लगती है। ये हार्मोन हमारे ब्रेन में से रिलीज होता है और जिन लोगों का बहुत ही ज्यादा वेट बढ़ा होता है उन लोगों के शरीर में इसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। इस हार्मोन की ज्यादा मात्रा होने कारण उनको भूख ज्यादा लगती है, जो कि वो अपनी डाइट से ज्यादा खाते हैं। ज्यादा खाने से उनका वेट बढ़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये हार्मोन हमारे ब्रेन में से रिलीज होता है। ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में तब रिलीज होता है जब हम बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेवल में होते हैं। हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि मेडिटेशन करने से हमारे स्ट्रेस लेवल को इतना ज्यादा कम किया जाता है कि इतना किसी और एक्सरसाइज से कम नहीं कर सकते। तो आपको दिन में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं वेट कम करने के लिए हम अपने खाने को कम कैसे खाएं। तो दोस्तों, जैसे आप दिन में एक टाइम 10 मिनट में 6 रोटी खाते हो, वैसे ही आपको 15 मिनट में 4 रोटी खानी है। ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर हंगरी नाम का हार्मोन जल्दी रिलीज हो जाता है, जिससे आपके शरीर को लगेगा कि हमने बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया है और आपकी भूख कम हो जाएगी। इसी तरह धीरे धीरे आपका शरीर कम खाने के साथ खुद को एडजस्ट करने लग जाएगा और बाकी की ऊर्जा लेने के लिए आपके अंदर जो फैट जमा होता है उसको एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेगा। इससे होगा कि आपके शरीर के अंदर जो फैट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका वेट भी कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। तो दोस्तों, एक्सरसाइज में आप रोजाना सुबह या शाम 50-50 मीटर की स्प्रिंट कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बहुत ही कम समय के लिए दौड़ना होता है और बहुत ही तेज दौड़ना होता है। जहां भी आप एक्सरसाइज या जॉगिंग करने जाते हो वहां पे आपको 50 मीटर की दूरी तक पूरी जान के साथ दौड़ना है और उसके बाद आपने 1 मिनट का रेस्ट लेना है। फिर आपने 50 मीटर की दूरी तक पूरी जी जान से दौड़ना है, आपने फिर 1 मिनट का रेस्ट लेना है। ऐसे आपने 10 से 15 स्प्रिंटिंग करनी है। ऐसा करने से आपके पूरे शरीर में ब्लड की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने के आपके अंदर गर्मी जनरेट होने लग जाती है, जिससे कि आपका फैट डालना शुरू हो जाता है। तो गाइस, अगर आप इस एक्सरसाइज को फॉलो करते हो तो आप 1 मंथ में 10 kg वेट कम कर लेंगे, क्योंकि 10 मिनट की स्प्रिंट 30 मिनट जॉगिंग के बराबर होती है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि हम इस एक्सरसाइज को कब कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इस एक्सरसाइज को सुबह या शाम दोनों टाइम किसी भी वक्त कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम डाइट प्लान के बारे में, यानी कि अपने खाने के बारे में। तो दोस्तों, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं क्या ना खाएं। तो दोस्तों, आपको दिन में चावल और रोटी बहुत ही कम खाने हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही हाई मात्रा में फैट होता है। और तेल में तली हुई चीजें बिल्कुल ना खाएं और फास्ट फूड को बिल्कुल बंद कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं हम ऐसा क्या कम से कम खाएं जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा हाई प्रोटीन मिल सके। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आते हैं कच्चे चने। कच्चे चने में बहुत ही हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, इसमें फैट की मात्रा 0 होती है, जिसे कि हमें कच्चे चने पानी के साथ भीगे हुए खाने में बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में प्रोटीन मिलता है। हरी मूंग की दाल,
हरी मूंग की दाल में भी बहुत ही हाई मात्रा में प्रोटीन होता है और इसमें भी 0% फैट होता है। आप इसे पानी के साथ खा सकते हैं। दही, दही खाने से भी हमारे शरीर में फैट बहुत ही तेजी से कम होता है और दही में भी हाई मात्रा में प्रोटीन और 0% फैट होता है। दूध, दूध को आप रात को डिनर के बाद और सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं। इसमें भी बहुत ही हाई मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। अब सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गर्म पानी। अगर आप सुबह हल्का गुनगुना पानी पीते हो तो इससे भी आपका फैट जल्दी डलता है। अगर आप इंस्टेंटली रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप दिन में जब भी पानी पिए, हल्का गुनगुना गर्म पानी पिए। इससे यह होगा कि आपके शरीर में फैट जमा होता है वो गर्म पानी पीने से ढलना शुरू हो जाता है, इससे आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हेल्थ और फिटनेस की जानकारी देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।